वैशाली है, वेलकम बैक टू वी आर शो इज विशा जी। सो गाइस, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है इस DIY के लिए। सो गाइस, काफी टाइम पहले मैंने कॉलर जैकेट बनानी आपको बताई थी, सो आपको यहाँ दिख रही होगी। उसके बाद में मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं स्लीव वाली जैकेट बनाना बताऊं, बिकॉज ये स्लीवलेस थी, तो आप चाहते थे कि मैं रियूज करूं दुपट्टे का और प्लस उसमें स्लीव सिखाऊं। सो, मैंने आपकी वो रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। सो, मैंने यूज किया है यहाँ पे कॉटन का दुपट्टा। सो गाइस, मैंने इसमें फुल स्लीव बनाई है, बिकॉज समर है और मैं नहीं चाहती थी कि ज्यादा लेयरिंग करनी पड़े मुझे जैकेट के ऊपर भी। सो, मैंने फुल स्लीव रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे छोटा करना चाहते हो या बड़ा रखना चाहते हो, उस तरीके से आप उसे रख सकते हो। एंड गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हो। सो, मेक श्योर कि आप मुझे वहां फॉलो कर ले। तो उन दोनों के लिए डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो गाइज, जल्दी से देख लेते हैं कि आपको इसे कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ दुपट्टे को ऑलरेडी कट कर लिया है। मुझे जैकेट के ऊपर वाले पार्ट पर वर्क नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने नीचे से वर्क वाले पार्ट को कट कर लिया है। मुझे जैकेट की टोटल लेंथ 19 इंचेस चाहिए, 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। नाउ अज्यूम ये विड्थ है फैब्रिक की और ये लेंथ है फैब्रिक की। अब फैब्रिक को एक बार विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे, अब एक बार और इसे फोल्ड करेंगे। फैब्रिक के फोल्डेड साइड पे टॉप के फोल्डेड साइड को रखेंगे और मार्किंग ट्रेस करेंगे। आर्म होल के लिए एक फिंगर स्टिचेस पर रखेंगे और दूसरी साइड पर मार्क लगाते जाएंगे। वन इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। अब टॉप को हटा लेंगे, इसके बाद फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए 3 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को राउंड शेप देते हुए ज्वाइन करेंगे। ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है, अब इसे कट करेंगे। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे, फ्रंट नेक को कट करेंगे। बिकॉज दुपट्टा थोड़ा पतला होता है, इसीलिए मैं फ्रंट और बैक पार्ट पर लाइनिंग फैब्रिक लगा रही हूँ, तो लाइनिंग फैब्रिक को भी फ्रंट और बैक पार्ट की तरह ही हमें कट करना है। ये फ्रंट पार्ट है। अब लाइनिंग फैब्रिक और दुपट्टे को सेंटर से कट कर लेंगे। अब लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर दुपट्टे को रखेंगे। दोनों फैब्रिक के राइट साइड ऊपर की तरफ होने चाहिए। अगर आपको कॉलर ना लगानी हो जैकेट में तो नेक और दोनों पार्ट को स्टिच कर लेंगे, बट अगर कॉलर लगानी हो तो नेक को छोड़कर सिर्फ इन दोनों पार्ट्स को ही स्टिच करना है। अब बैक पार्ट लेंगे और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। दोनों फैब्रिक के राइट साइड अंदर की तरफ होने चाहिए और दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे। अब स्लीव्स कट करेंगे। मुझे स्लीव की लेंथ 20 इंचेस चाहिए, 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए। मैंने दुपट्टे को ऑलरेडी दो बार विड्थ वाइज फोल्ड कर लिया है। अब फैब्रिक के फोल्डेड साइड पर स्लीव को रखेंगे और इस मार्क को हमें ट्रेस करना है, तो इसके लिए स्टिचेस पे फिंगर रखेंगे और दूसरी साइड पे मार्क लगाते जाएंगे। 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग पर्पस के लिए और अब इसे कट करेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद इसे ओपन करेंगे और यहां पे स्लीव को ज्वाइन करेंगे। दोनों जो फैब्रिक है इनके राइट साइड नीचे की तरफ होने चाहिए। अब पहले पिन लगाकर सिक्योर करेंगे, इसके बाद इसे स्टिच कर लेंगे।
अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी स्लीव स्टिच कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों जो यहाँ पे स्टिचेस हैं इनको जॉइन करके एक पिन लगा लेंगे और दोनों साइड्स को स्टिच करेंगे। अब कॉलर लगाएंगे तो इसके लिए ये वाले पार्ट को हमें मेज़र करना है। जितना भी यहाँ पे पार्ट आए उसमें 1 इंचेस हम ऐड कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे 18.5 इंचेस आया है, तो मैं 19.5 इंचेस लॉन्ग फैब्रिक ले रही हूँ जिसकी विड्थ 6 इंचेस हो, बिकॉज हम जब इसे फोल्ड कर लेंगे तो ये 3 इंचेस रह जाएगा। अब दोनों साइड से 1/2 इंचेस फैब्रिक को छोड़ते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले पिन से इसे सिक्योर कर रही हूँ और इसके बाद इसे स्टिच कर लेंगे। मैंने जो दोनों साइड्स पे 1/2 इंचेस फैब्रिक छोड़ा था उसे यहाँ पे फोल्ड करके स्टिच कर लिया है दोनों साइड्स पर। अब इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। अब वीडियो में दिखाए अकॉर्डिंग साइड्स को एक बार फोल्ड करके कॉलर को हाफ में फोल्ड करेंगे और पहले पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे। और इसके बाद में इन्हें स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे बटन्स भी लगा सकते हो, पर मेरी यहाँ पे प्रिंट है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और इसी के साथ हमारी जैकेट रेडी है। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक शेयर तो आप कर ही सकते हो, बिकॉज वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। सो अप्रिशिएट करने के लिए आप एक लाइक और एक शेयर ही कर दीजिए। और कोई भी सजेशन हो या आप कोई डिमांड करना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या DIY बनाऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।